लाना था यार। मैं तो जहीर भाई को इंडिया के तकरीबन उनके साथ खेले हुए एक एक क्रिकेटर ने अप्रोच करके खैरियत पूछी उनके भाई सगीर अब्बास से, हमारी बात करा दो कोई मिल रहा है। सुनील गावस्कर से लेके सबने पूछा लेकिन हमारे किसी ने नहीं पूछा। शिखर धवन लंदन जाके मिलके आ रहा है, जो साथ खेले हुए वो नहीं जा रहे हैं। वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान के लेजेंड्स तो पूछ नहीं रहे, कपिल देव पूछ रहे हैं। शिखर धवन इंग्लैंड गया, उनसे मिलने गया। अभी तक किसी एक का फोन नहीं आया। सिर्फ जावेद भाई से बात हुई थी, उन्होंने पूछा था, बाकी किसी ने फोन नहीं किया। वसीम अकरम हसन अली की वीडियो बना देते, ये जहीर भाई को फोन नहीं कर सकते। 9 करोड़ रुपए लेता है वो इंस्टाग्राम की पोस्ट के, 9 करोड़ रुपए एक पोस्ट के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों इसमें भारत की इतनी तारीफ हो गई है कि आप एक भारतीय हैं तो आपको गर्व महसूस होगा, क्योंकि जहीर अब्बास जो पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हुआ करते थे और उनकी जो तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो लंदन में एडमिटेड हैं, और उनको देखने के लिए जो भारतीय क्रिकेटर वहाँ पहुँचे थे, उनसे मिलने के लिए पहुँचे थे, उनका हाल चाल लेने के लिए पहुँचे थे और फ़ोन पर भी बातें किए थे उनके बारे में, और ये सब देखते हुए और पाकिस्तानी मीडिया बता रही है कि पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर नहीं, एक दो क्रिकेटर के अलावा कोई पूछा तक नहीं कि जहीर अब्बास कहाँ है, और इतने लेजेंड खिलाड़ी जिनको पूरी दुनिया सलाम करती है और उनको पूछा तक नहीं कि कहाँ है और उनका थोड़ा रिस्पेक्ट तक भी नहीं किया। इन सब चीज़ों के बारे में पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी बात कर रही है। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियोस और अपडेट लाते रहें। भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड हर खबर सबसे पहले अपने चैनल तक लाते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए पूरा वीडियो और हम मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में, तब तक आप देखिए कौन सही है और कौन गलत। रिवर्सल लानत देनी है माफी के साथ उन एक्स क्रिकेटर्स को जो हर बात में बोल पड़ते हैं कि वो फला कप्तान हो जाए, फला टीम में आ जाए। पाकिस्तान के लेजेंड आईसीसी को हेड किए हुए मतलब एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास साहब अलील हैं, हमने कवर किया था कि वो अलील हैं। वहां पर विश्वनाथ साहब उनकी खैरियत ले रहे हैं, बिशन सिंह भेदी ले रहे हैं। इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स जो उस लेजेंड के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, यानी कि लोग रोहित शर्मा में क्या ढूंढते हैं कि यार वो उतना लेट खेलता है, इतना एफर्टलेस खेलता है जैसे जहीर भाई। और जहीर भाई ने क्या कहा हुआ है, जहीर भाई ने कहा हुआ है कि जब रोहित शर्मा खेलता है मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, इतना मजा, मैं इतना खो जाता हूँ, गूज बम्स, रोंगटे खड़े होना कि यार मैं पागल हो जाता हूँ, उसकी बैटिंग में डूब जाता हूँ और मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। तो यार आप में से सिर्फ एक जावेद मियादाद उनकी खैरियत ले चुके, ये वसीम अकरम हसन अली की वीडियो बना देते, ये जहीर भाई को फोन नहीं कर सकते कि यार आप कैसे हैं जहीर भाई। लानत है यार इन लोगों पे, इन लेजेंड्स पे। यार देखिए मेरी पास से तो यूनिवर्सल लानत होगी। अबे जिस ओडीआई ने तुम्हें चार लोगों में पहचान कराई जी, ठीक है, उस ओडीआई के पीछे तुम पड़ गए कि इस फॉर्मेट को खत्म हो जाना चाहिए। अबे जहीर भाई के बारे में पूछा तुमने एक दफा किसी से, या खुद तुमने फोन किया? उसका भाई खड़ा होके सगीर अब्बास, सगीर भाई, सगीर अब्बास की वीडियो है मार्केट के अंदर, अभी आज मैंने देखी है। मेरे मोहल्लेदार भी हैं सगीर भाई, है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लेजेंड्स तो पूछ ही नहीं रहे जी। कपिल देव पूछ रहे हैं, शिखर धवन इंग्लैंड गया, उनसे मिलने गया, यूमी लेजेंड, ये दागदार लेजेंड है, इनको फिक्र ही नहीं है यार। आप लोग एशियन ब्रेडमैन है, उसको दुनिया हाथों में लेती है यार। जहीर भाई की आयादत बाबर ग्रेट है, तुम बाबर का भी यही हाल करोगे, क्योंकि तुम अपने ग्रेट्स को ऑनर ही नहीं करते। तुम्हें हसन अली प्यारा गंदे नाले पे खड़ा होकर तुम वीडियो बना लेते हो, उसके लिए सूरज के पुजारी हो आप लोग, करंट क्रिकेटर्स की वाह वाह करते हो कि यार शायद इसके साथ तस्वीर खिंचवा दे, बच्चे की तस्वीर खिंचवा दे। लाना था यार, मैं तो जहीर भाई को इंडिया के तकरीबन उनके साथ खेले हुए एक एक क्रिकेटर ने अप्रोच करके खैरियत पूछी उनके भाई सगीर अब्बास से, हमारी बात करा दो कोई मिल रहा है, कोई बात कर रहा है। सिर्फ यहां से पाकिस्तान से जावेद मियादाद ने उनकी खैरियत पूछी है 2-3 बार। उसके अलावा तो यार बाकी कहां है, मैं तो आपके मोहसिन हसन खान कहां है, प्ले फॉर पाकिस्तान नॉट प्ले विथ। यार बहुत बड़े बड़े फनकार हैं, मैं तो उन लोगों की बात करूंगा यहाँ पे जो मीडिया को सबसे ज्यादा मिसयूज। चलो इमरान खान तो इलेक्शन में डूबे हुए, आज वैसी वहाँ एक गेम हो गई है। ये बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप में भी बैठे हैं, ठीक है, और ये बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान मीडिया के ऊपर रोज उछल रहे होते हैं, रोज गा रहे होते हैं, भंगड़े पा रहे होते हैं, इनकी बात करूंगा। लाना थे इनके ऊपर यार, तुम्हारा आदमी है, तुम्हारा पेटी भाई है उसकी, चलो ये भी छोड़ो। सरफराज नवाज खुद बहुत बीमार है, वरना शायद वो फोन करते। भाई आप लोग कहाँ हो? अच्छा ये जो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बुमराह,
अरे उस वक्त को छोड़े, जो 90s के हीरो बनते हैं के जहीर भाई इनके रोल मॉडल नहीं रहे होंगे। आकिब जावेद, कभी शाहीन, इन्हें बुमराह याद रहता है, इन्हें पांड्या याद रहता है, इन सबको कोहली सुबह शाम याद है। हर आदमी को विराट कोहली की फॉर्म पर बात करनी है, चाहे वो बॉलर ही क्यों ना रहा हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेरे मिस्टर बाबर आजम को नहीं पता होगा? अब वो हो सकता है कोई कॉन्ट्रेक्चुअल मजबूरी हो, मगर ये मजबूरी नहीं होनी चाहिए। अगर विराट कोहली के लिए टाइम निकल सकता है तुम्हारे पास, ये सिर्फ बाबर की लल्लो चप्पो करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ मौका परस अपॉर्चुनिस्ट हैं जो बाबर को ग्रेट कहते हैं। ये यही हाल करेंगे जो जहीर भाई का हो रहा है यार। दुनिया का इतना बड़ा बल्लेबाज जिसको एशियन ब्रेडमैन का खिताब दिया है, मगर भाई ओडीआई खत्म होनी चाहिए, ये वसीम अकरम को याद है। शाहीन और हारिफ पे वर्कलोड का मसला है, आकिब जावेद को ये याद रहता है। क्या जावेद मियांदादी रह गया सिर्फ? क्या पाकिस्तान के अंदर कहां है वो नाम लिहाज लेजेंड जो अपने आप को लेजेंड? मैं वकार यूनुस से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यार कम से कम आपकी एक बाइट तो मुझे मिलती यार। कौन सी बाइट? शोएब अख्तर है यार, विराट कोहली का दर्द उनको आ रहा है कि वो रन नहीं कर रहा, मगर एक है जहीर भाई कैसे हैं ये किसी को नहीं पता। शोएब अख्तर यार, ये मोहब्बत है तुम लोगों को यार? मुझे तो डर लगता है यार, पाकिस्तान में कोई ग्रेट अगर बनने जा रहा हो तो उसको यार। जुल्करनैन तुम्हें फिक्सर के पास चला गया पीसीबी, कहां है यार? नदीम खान गए थे वहां पर चेक देने के लिए, बीमार था वो। बीमार तो जहीर भाई भी है, बीमार तो जहीर भाई भी है। कोई गया लंदन में जहीर भाई की खैरियत? या पीसीबी ने कोई नोटिस, पीसीबी ने कोई प्रेस रिलीज दी इसके ऊपर? वेयर इज मीडिया? वेयर इज समीउल हसन भरनी साहब? अरे कहीं नहीं है, कोई कहीं नहीं है। मीडिया क्या फिर आप बोलते हैं कि हमने इनकी इजाफे कर दी? ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट रमीज हसन राजा यार, चेयरमैन पीसीबी, जो जहीर भाई के सामने बच्चे बने। ये आप ऑनर करते हैं अपने ग्रेट्स को यार, ये मतलब अब जब खबरों में आ गई बात तो पता चला यार। रमीज राजा जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है इस वक्त, हम भी कहते हैं क्रिकेट पर इख्तिलाफ है, लेकिन एज पर्सन ब्रिलियंट मैन। कहाँ है रमीज भाई? पाकिस्तान की मैं सिलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। क्या आपके पास 5 मिनट नहीं है कि आप जहीर भाई को कॉल करके उनकी खैरियत दरियाफ्त कर ले? ये भी हम बताएं यार आपको, आपके हीरो नहीं थे क्या? नहीं, आपके आपके मीडिया के लोग आपको नहीं बताते कि जहीर भाई क्रिटिकल कंडीशन में इस वक्त? दुनिया भर के लोग यार, मतलब इंडिया से हर प्लेयर पूछ चुका जो उनके साथ खेला है, जो उनका ग्राउंड में हरीफ था, जिनको वो टफ टाइम देते थे, आउट नहीं होते थे, चौके कराते थे। जो खड़ा हुआ कह रहा है ना उसका भाई, उसका दर्द यही है। फेस रीडिंग, उसका दर्द यही है यार के यार मुझे बड़ा अफसोस है, ये ट्रीटमेंट है लेजेंड्स के। ओरिजिनल लेजेंड जिस पर कोई इल्जाम नहीं है, बाकी 90s के बाद सारे दागदार लेजेंड इसलिए छुपे हुए हैं, इसलिए छुपे हुए। उनको पैसों की जरूरत नहीं है, वो आईसीसी का चेयरमैन भी रह चुका है। हाँ बिल्कुल, वो खाता पीता आदमी है, उसको सिर्फ दो लफ्ज चाहिए कि हम आपके साथ हैं, और जो उसके साथ हैं वो उससे मिल रहे जाकर। आप लोगों ने क्रिकेट जिन जिन लोगों ने पीछे की देखी हुई है, अमित मिश्रा साहब जैसे लोगों, मैं इसलिए डरता हूँ, जहीर अब्बास ये मौका परस लोग बाबर के लिए सब कुछ करने को तैयार है। बाबर को एक दिन डुबा देंगे, आज बाबर की फॉर्म गिरे कल मुझे बोल रहे हैं कि जावेद मियांदाद ने कह दिया कि बाबर को लाइफ टाइम जब तक रिटायर ना हो कप्तान। अबे ये ट्रीटमेंट होगी ये देख लो तुम, मैं इस दिन से डरता हूँ। जिस दिन 8-10 मैचेस में लगातार फेल हुआ ना इंडिया में, बीसीसीआई को आप जितना भी कह लें, लेकिन यार एक बात पर क्रेडिट देता हूं मैं, वो ठीक है कप्तानी की गेम चली के यार अब तुम कप्तानी छोड़ दो, वो विराट कोहली की ग्रेटनेस पर उसको ड्रॉप नहीं कर रहे। और कल परसों से ये मामला सरगरम था कि यार विराट कोहली जो है वो जिम्बाब्वे से खेलेगा। अबे क्यों भाई, क्या पहले कभी नहीं खेला क्या? आप लोगों को पता है सचिन तेंदुलकर की जिम्बाब्वे में कितनी सेंचुरियां हैं? जरा चेक कर लो, हिल जाओगे। ओ भाई हमने कहा है कि टीम हो अच्छा है, वो स्ट्रगल कर रहा है तो ऐसी अपोजिशन से शायद उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए। क्या बाबर आजम ने अपने सारे रन में से ढेर सारे रन जिम्बाब्वे में नहीं मारे? 9 करोड़ रुपए लेता है वो इंस्टाग्राम की पोस्ट के, 9 करोड़ रुपए एक पोस्ट के लेता है, पैसे लेता है 9 करोड़, कमाल है यार। क्यों विराट का मतलब क्या पैसों की बात? अपने टैलेंट पे जाता है वो, तो रिटायरमेंट लेके इंस्टाग्राम की पोस्टें कर लेना वो। अबे वो जाके अगर बेंच पे भी बैठ जाएगा ना, ये अलार्मिंग है, उनकी इकोनॉमी बड़ी ऊपर जाएगी। ये मिसाल है, आप में से जो कुन जहन होंगे वो समझ नहीं पाएंगे। आप बाबर का भी यही करोगे इस तरह? जहीर भाई क्या है ये लोगों को पता है? विराट एज अ ब्रांड एम्बेसडर जा रहा है जिम्बाब्वे, अब समझ में आई तुम लोगों के? जी ब्रांड एम्बेसडर, ताकि वहां के हालात संभले, इकोनॉमी संभले। कभी कभी कुछ प्लेयर्स इसलिए भी वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जरूरी होते हैं, आइकॉनिक फिगर होते हैं भाई, रोल मॉडल्स होते हैं। अफ्रीका में जो आपके सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, जब जिसमें आपके बर्मीज हैं, जिसमें आपके श्रीलंकन हैं, जिसमें इंडियंस हैं, जिसमें पाकिस्तानी हैं, जिसमें मालदेवियन हैं, जिसमें नेपालीज हैं, जिसमें ईरानी, भाई ये लोग बड़े बड़े टाइकोन्स हैं वहां पर।
इसलिए विराट जा रहा है एज अ ब्रांड एम्बेसडर। दोस्तों आप लोगों ने देखा पाकिस्तानी मीडिया कितनी तारीफ कर रही है भारतीय क्रिकेटर को, क्योंकि उनका करना बनता भी है, क्योंकि भारतीय क्रिकेटर एक अच्छे दरिये दिल इंसान है और हमेशा पैसों की घमंड नहीं दिखाते, क्योंकि पाकिस्तान प्लेयर के पास थोड़े पैसे हो जाते हैं तो वो कूदने लगते हैं, लेकिन हमारे पास इतने पैसे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी खरीद सकता है BCCI, तो फिर भी हमारे सौरभ गांगुली के पास उतना एटीट्यूड नहीं जितना कि पाकिस्तानी प्लेयर रखते हैं, क्योंकि उनको पास थोड़े से पैसे हो जाते हैं तो वो गर्मी दिखाने लगते हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है भारतीय प्लेयरों के बारे में ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वीडियो सर अपडेट लाते रहें। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।